नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दशरथ है और आज आप सभी को स्वागत करता हूँ वीवो मोबाइल में। ठीक है, तो ये इसका मॉडल है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ऐसे कीजिएगा, कैमरा को क्लिक कीजिएगा, फोटो को आइएगा और आइडेंटिफाई कीजिएगा। यहाँ पर देखिए मॉडल नेम 1906। ठीक है, ये वीवो का है। तो फिलहाल ये मिराकल में आज इसका जो पैटर्न है अनलॉक करके दिखाऊंगा। ठीक है, और साथ में FRP भी अनलॉक करके दिखाऊंगा। ठीक है गाइस, तो वीडियो के साथ ज़रूर अंत तक बना रहिए और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मैंने इसको EDL मोड से करूँगा। सबसे पहले पीछे का निकाल लेता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैंने इसको डिसेबल कर लिया है और ये जो टीना है इसको भी फिलहाल निकालूंगा। उसके बाद मैं EDL पॉइंट आपको दिखाऊंगा और फिर चलूंगा कंप्यूटर। सो फ्रेंड, ये मैंने निकाल लिया है, इसका जो है EDL पिन अभी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, और इसका जो Y11 का EDL पिन है यहाँ पर बैटरी पिन के नीचे साइड है। ठीक है, ये दोनों ना। ठीक है, ये जो 2 पॉइंट है ये EDL पॉइंट है। ठीक है, इसको आपको शॉर्ट करके ट्यूजर में या डायरेक्टली शॉर्ट करके केबल कनेक्ट करना है। सॉरी फ्रेंड, मैंने गलती कर दिया था, जो EDL पिन है हमारा ये दोनों है। ठीक है, ये दोनों है, इसको कनेक्ट करके फिलहाल मैं लगाऊंगा आपको और कंप्यूटर में जाके बताऊंगा। ठीक है, नहीं ठीक है फ्रेंड, इसको दबा के मैं मेरा लड़का को बोलता हूँ कि कंप्यूटर में लगाए। ठीक है, लगाओ। ठीक है, आवाज़ आ चुका है और फिलहाल मैं मिराकल बॉक्स खोल चुका हूँ और आपको दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा मिराकल बॉक्स, और सबसे पहले आपको वीवो में जाना है और मॉडल नंबर चेंज कर मॉडल ये वीवो में आना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मॉडल नंबर आना है Y95। ठीक है फ्रेंड, वीवो का Y95। ठीक है, ये Y95। उसके बाद वेलकम पोर्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, वेलकम पोर्ट सेलेक्ट करना है, पोर्ट सेलेक्ट हो गया। उसके बाद रीड फॉर्मेट क्लास में आना है। ठीक है, यहाँ आना है। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ ओके रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर फैक्ट्री में क्लिक करना है और सेफ मोड में रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सब कुछ होने के बाद स्टार्ट बटन में आपको क्लिक कर देना है और देखते हैं, ये CPU डिटेक्ट कर चुका है, लोडिंग द बूट डॉन। ठीक है, और आगे देखते हैं, ये फॉर्मेट ठीक है डाउन हो चुका है और अभी फिलहाल डाउन हो चुका है, आप देख सकते हैं पास में लेके। ठीक है, इस तरह से किया था मैंने और फिलहाल मोबाइल को अभी चले ऑन करता हूँ। ठीक है, ये होने के बाद मैं मोबाइल को ऑन करता हूँ। ठीक है, मोबाइल वाइब्रेशन कर चुका है। अगर ये मोबाइल जो है आगे नहीं बढ़ता है, मान लो कि लोगों में अटक जाता है, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर फैक्ट्री रेस्ट करना है, हार्ड रेस्ट, जो आपको पता ही होगा, थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं तो इसको हार्ड रेस्ट करना है। ठीक है, तब जाके ये आगे बढ़ेगा, अगर आगे नहीं बढ़ता है तो। ठीक है, फिलहाल मेरा मोबाइल तो ऑन हो रहा है, देखते हैं ये आगे जाता है या नहीं। अगर आगे नहीं जाता है तो आपको हार्ड रेस्ट करना है। ठीक है फ्रेंड, तो कुछ देर के लिए वेट करते हैं जब तक कि इसका आइकन नहीं आ जाता है, और FRP भी किस तरह से बाईपास करते हैं वो भी दिखाऊंगा मैं। देखिए फ्रेंड, ये रिस्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको क्या करूंगा, फैक्ट्री रेस्ट कर दूंगा। ये रिस्टार्ट कर रहा है, ठीक है, इसको फैक्ट्री रेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं बैटरी को निकाल लेता हूँ और ये देखिए रिस्टार्ट करना लगा है, बैटरी पॉइंट को कुछ देर के लिए निकाल दिया मैंने और फिर से लगा दिया और फिलहाल अभी इसको मैं
फैक्ट्री रेस्ट के लिए बटन को दबाऊंगा और इसका फैक्ट्री रेस्ट करूंगा, तब जाके ये क्लियर होगा डाटा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। ठीक है, एक भी वीडियो कहां पर भी प्रोसेस नहीं किया गया है और आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मेरा कुछ गलती हो रहा है इस पर, तो इसका जो बैक पैनल है वो लगा लेता हूँ, तब जाके मेरे को आसानी होगा। ठीक है, देखिए वन मिनट, ये बैक पैनल लगा के मैं फैक्ट्री रेस्ट करने के लिए रिबूट में आ गया और हम आ जाते हैं सेकंड में फैक्ट्री मोड में। ठीक है, अभी इसको ओके करते हैं। स्प्रेन ये देखिए फैक्ट्री मोड में आ गया है। ठीक है, तो क्लियर डाटा में हम क्लिक करते हैं और रिस्टोर क्लियर ऑल डाटा ओके कर देना है। आपको जो भी आपका जो डाटा था वो सब क्लियर हो जाएगा अगर रिस्टार्ट करता है आफ्टर फॉर्मेटिंग करने के बाद। तो फेल टू क्लियर हो गया, रिटर्न करते हैं, उसके बाद इसको ऑल में क्लिक करके फिर क्लियर करते हैं। फेल टू रिस्टोर सेटिंग, रिटर्न, फिर ऑल इसको भी कर देते हैं। क्लियर हो गया, रिटर्न, और एक बार फिलहाल कर सकते हैं क्लियर। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, फेल हो गया, फिर ऑन करके देखेंगे क्या आता है। रिटर्न बैक, ठीक है, और अभी रिस्टार्ट करके देखते हैं। सो फ्रेंड, आपको पहले ऑन नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहले ऑन कर देते तो ये क्लियर डाटा नहीं होता है। ठीक है, मेरा क्लियर डाटा जो फेल आने का कारण मैं पहले ऑन कर दिया था, जब आपने आफ्टर अनलॉक करने के बाद डायरेक्ट आपको हार्ड रेस्ट करना है तब जाके ये मोबाइल काम करेगा। नहीं तो आप अगर मान लो कि आप अनलॉक करने के बाद मोबाइल को पहले ऑन कर दिया उसके बाद क्लियर कर रहे हैं डाटा तो रिस्टार्ट करते लगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट पहले करता हूँ उसके बाद मोबाइल, ये देखिए सेटिंग रिस्टोर ऑल। ठीक है, अभी मैं इसको रिस्टार्ट करूंगा तो ये आगे बढ़ सकता है शायद, देखते हैं आगे बढ़ता है या रिस्टार्ट करने लगता है। ठीक है, ये देखिए फिलहाल ऑन हो रहा है, देखते हैं आगे रिस्टार्ट करता है कि बढ़ता है। कुछ देर के लिए वेट कीजिएगा, ज़्यादा टाइम लगता है। देखिए फ्रेंड, कुछ देर हो गया, अभी तक भी ये ऑन नहीं हुआ है, मिनिमम वन मिनट हो चुका है और आगे देखते हैं, अभी रिस्टार्ट तो नहीं कर रहा है, आगे देखते हैं ऑन होता है या नहीं। सो फ्रेंड, ये मिनिमम 5 मिनट के बाद ये आफ्टर सक्सेस हो चुका है और ये देखिए हम सेटअप करते हैं, सेटअप योर फोन में क्लिक करते हैं और आगे जाते हैं। ठीक है, इस पर नेक्स्ट में क्लिक करते हैं और ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, आप लोग को परेशानी हो रहा है Y11 का अनलॉक करवाने के लिए और मैंने FRP भी एक बार से क्लियर कर दिया था, FRP भी नहीं मांगेगा वो, FRP आपको क्लियर करना भूल गया था दिखाना। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से करते हैं लास्ट में FRP। ठीक है, और ये FRP भी मैंने कर दिया, कहूँ ये FRP नहीं मांगेगा। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है। जो बीच में परेशानी होता था रिस्टार्ट का परेशानी, वो भी मैंने आपको किस तरह से किया और एक बार उसको कर दिया और फिलहाल सबसे पहले अनलॉक करने के बाद आपको रिस्टार्ट अगर होने लगता है तो और अनलॉक कीजिए और फैक्ट्री रिस्टार्ट कीजिए, तब जाके ये ओके होगा। ठीक है, तो फिलहाल दिखा दे भाई यहाँ पर जो आपने किया था कि FRP अनलॉक किस तरह से सेम रहना चाहिए, Y95 हो या V11 Pro है। ठीक है, और रिमूव अकाउंट लॉक उधर में क्लिक करके आपको 1 स्टार बटन दबाना है। ठीक है, यहाँ पर क्विकम मोड में कनेक्ट है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।